इसके अंदर अपार बल मिलेगा आपको, हद से ज़्यादा बल, खाना एकदम से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय माकल, स्वागत है आपका परिवहन वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों क्षत्रिय प्रणाम के अगला भाग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे तीन प्रकार की बैठक है, कई प्रकार की है लेकिन आपको मेन तीन प्रकार की बैठक बताऊंगा, जिसे करने से आपकी जंघाएं तो मजबूत होंगी होंगी, आपके ऑर्गन्स को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, और स्पेशली जिनको घुटनों में दर्द रहता है यानी जिसके लिगामेंट्स एकदम कमज़ोर है उसको इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपके घुटने के लिगामेंट्स और आपकी कमर पे भी इससे अच्छा खासा डेवलपमेंट आएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज अपन भीम बैठक से। भीम बैठक जो कि भीम मारा करते थे, ऐसे हमारे गुरु जिन्होंने हमें शिक्षा दी। इस बैठक के अंदर आपको आपके स्पेशली घुटनों के ऊपर ज़्यादा जोर गिरेगा, घुटने यानी लिगामेंट्स के ऊपर ज़्यादा जोर गिरने वाला है, एकदम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे आपके घुटने, घुटने के लिगामेंट्स और आपकी कमर, इसमें सीधी रहना ज़रूरी। तो श्वास जब नीचे जा रहे हैं तब श्वास आपको फेंकना है यानी कपालभाति लगाना है, उड़ते वक्त भस्त्रिका से आपको श्वास खींचना है, आइए देखते हैं एक बार। और हाँ दोस्तों, जब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद कुंभक का इस्तेमाल ज़रूर होना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों भीम बैठक कैसा लगाया जाए। ये देखिए दोस्तों, आपको पहले इसमें बैठना है, बैठने के बाद आपके घुटने तकरीबन ज़मीन को टच होना, पूरा टच नहीं होना, बस 90% पर रोक देना, कमर इसके अंदर आपकी सीधी रहना और आपका पूरा बैलेंस पंजों पर, ईडी आपकी इसके अंदर ज़मीन पर नहीं लगना, इसे बोला जाता है दोस्तों भीम बैठक। इसको आप शुरुआत में ऐसे ऐसे कीजिए, जब आपको बैलेंसिंग बराबर आ जाएगा दोस्तों, इसे आप शुरुआत में ऐसे ऐसे कीजिए, जितना हिस्सा हो सके उतना हिस्सा कीजिए, जब आपको बैलेंसिंग आ जाएगा बराबर से उसके बाद ही इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा आप। अब इसको करते हैं मुट्ठी से, बोलो सचिन छोटे मुट्ठी लो। ये देखिए दोस्तों, इसको आप मुट्ठी से भी कर सकते हैं, मुद्गर से भी कर सकते हैं, इसका और बेनिफिट और आपके मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने के लिए, अगर आपके अंदर जैसा जैसा ताकत बढ़ती जाती है आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपन और हैवी मुट्ठी से इसका अभ्यास करेंगे, वो मुट्ठी लो। ये देखिए दोस्तों, ये 8 से 10 किलो की मुट्ठी है, ये देखिए दोस्तों, ये 8 से 10 किलो की मुट्ठी है, इनको अभ्यास होने के बाद में हम बड़ी मुट्ठी अवेलेबल कराएं। बहुत यानी बहुत हद से ज़्यादा आपके घुटने इसके अंदर स्ट्रांग होंगे, आपके लिगामेंट्स में एकदम मजबूती आएंगी और आपकी कमर ना चाहते हुए भी आपको सही रखना ही पड़ेगा, यानी गलती का इसमें गुंजाइश ही नहीं है, और आपका पूरा बैलेंस पंजों पर, ठीक है। इस अभ्यास के बाद दोस्तों आइए चलते हैं वानर बैठक। वानर बैठक कैसा है क्या है, और जैसे एक वानर छलांग मारता है वैसा इसके अंदर छलांग मार के आपको ये बैठक का अभ्यास करना है। तो एक बार देखिए अभ्यास, देखिए दोस्तों, ये है वानर बैठक। जैसे एक वानर यानी एक बंदर छलांग लगाता है वैसा इसके अंदर बैठक मार के छलांग लगाना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी एड़ी ज़मीन को टच नहीं करना, ना उड़ते वक्त ना बैठते वक्त, जब आप नीचे जा रहे हैं तब आपकी आना है कपालभाति, जब आप ऊपर उठ रहे तो आना है आपको भस्त्रिका। अनेक लाभ है जिसको दिनचर्या में, जिसकी दिनचर्या कुर्सी पे बैठे बैठे निकल गई, यानी जो हमारे भाई बहन ज़्यादा ऑफिस का काम करते हैं या उनका काम ज़्यादा बैठने का है, वो इसको अगर सुबह सुबह कम से कम एक 50 लगा लिए, 50 बार इसका अभ्यास कर लिए, तो उनके अंदर दिन भर एनर्जी का आभास रहेगा, सुस्ती उनको आएंगी नहीं, हर काम में ज़्यादा उनका ध्यान लगेगा। इस अभ्यास में दोस्तों ध्यान आपको रखना पड़ता है आपके पंजों का, आपकी एड़ी का, आपकी कमर का, तो इससे आपका ध्यान भी ज़्यादा केंद्रित होगा। ये इसका रहा एक स्टाइल। इसका दूसरा स्टाइल है मुट्ठी लेकर, ये एक और इसका स्टाइल दोस्तों मुट्ठी समतोला मुट्ठी से, जिसके अंदर आपको जब नीचे जा रहे तो हाथ आपके पूरे शोल्डर के लेवल तक यानी कंधे के लेवल तक जाना है, बाकी का प्रोसेस सेम,
और हाँ दोस्तों, इससे आपके फिंगरिंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर गिरेगा, ज़्यादा असर होगा, एकदम सुडोल होंगी आपकी पिंगली और आपके घुटने तो अच्छे होंगे होंगे। शुरुआत में छोटा छोटा जंप लेके उसके बाद जैसा जैसा आपकी कैपेसिटी आपका बैलेंस होते रहता है उसको जंप को बड़ा करना। छोटे जंप होने के बाद में दोस्तों बड़ी छलांग लगाना है आपको, ये स्टाइल अलग वो स्टाइल अलग। ये देखिए जैसे बड़ी छलांग लगा रहे, कम से कम 1.5 फीट की छलांग आ रही इनकी। ऐसा ऐसा जैसे जैसा जैसा आपकी क्षमता होती रहेंगी वैसा वैसा आप इसके अंदर छलांग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी लंबी छलांग लगा सकते हैं, छोटी छलांग, लंबी छलांग। शुरुआत आपको इसकी छोटी छलांग से ही करना है। आपके पास जैसे जैसे स्टैमिना बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर ताकत का प्रभाव, आपके अंदर ताकत बढ़ते जाएंगी वैसा वैसा आप समतोलामुखी का प्रयोग और वजन से कर सकते हैं, जैसे कि अपन बाजू से कराएंगे। वो लो सचिन, ये देखिए दोस्तों, ये बड़े समतोलामुखी काफ़ी वजनदार, इसके अंदर अपार बल मिलेगा आपको, हद से ज़्यादा बल। खाना एकदम से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ भी खा रहे आप यानी कुछ भी, उसको पचाने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थे भीम बैठक और वानर बैठक के दो प्रकार यानी दो स्टाइल्स। इसके आगे भी और स्टाइल्स से आने वाले वीडियोज़ में अपन शेयर करते रहेंगे। और फिलहाल के लिए बढ़ते हैं तीसरे अभ्यास के लिए जो कि हनुमान बैठक। ये बताता हूँ उसका आपको करने का तरीका। दोस्तों ये हनुमान बैठक, जिससे ऐसा कहा जाता है कि इसे स्वयं बजरंगबली करा करते थे, इसीलिए इसका नाम हनुमान बैठक। और इसका स्टाइल में भी जब भगवान बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर जाते हैं तो उनका बैठने का जो स्टाइल है कुछ इसी प्रकार आता है, जैसे कि मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। जिसके अंदर सबसे पहले आपको लगाना है एक पैर आगे एक पैर पीछे, ये एक बार देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरा घुटना नीचे जा रहा, ये घुटना ऊपर, पीछे का पैर पूरा, पीछे के पैर का वेट पूरा पिंगली पे, एड़ी ऊपर, सामने का पैर एकदम सपाट नीचे, जैसे बजरंगबली की आपके फोटो, जैसे कई सारे फोटोज में आप देखाएंगे बजरंगबली को, पहाड़ ऐसा ले आते हैं, गदा इधर लगा के, इसको ऐसा लगा के, हनुमान बैठक की पोजीशन में, जैसे भगवान राम के सामने भी उन्होंने जब बैठते तो ये पोजीशन पे बैठते हैं, इसीलिए इसको हनुमान बैठक कहा जाता है। एक बार फिर से करके आपको बताता हूँ, देखिएगा। कई सारे अभ्यास है दोस्तों हनुमान बैठक के भी, कई सारे प्रकार है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसका ज्ञान देने का प्रयत्न करूंगा। एक बार और दोस्तों डाइट टिप में, जो एकदम दुबले पतले हैं यानी जिनका वजन जल्दी से बढ़ रहा नहीं, वो घी, गुड़ और चने का सेवन जरूर कीजिए अपने डाइट में। और जिनको अपना वजन कम करना है यानी बाजी कम करनी है, वो सहजन के पत्ती के साथ, जैसे कि मुरिंगा या हमारे पास यहाँ तो मूंगी की फली बोलते, कई जगहों पर इसको सहजन बोलते, इंग्लिश में मोरिंगा बोलते, सहजन की पत्तियों के साथ साथ हरी मूंग और गुड़ का सेवन कीजिए, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट एकदम तेज़ी से मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।